السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. अबू समह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्ची के पेशाब से धुला जाएगा और बच्चे के पेशाब से छींटा मारा जाएगा। ये रिवायत इमाम अबू दाऊद, नसई और इमाम हाकिम ने अपनी अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र किया है। इमाम हाकिम ने इसको सही करार दिया है। ये रिवायत सही है और एक सहाबी जो अपने नाम के बजाय कुनियत से मशहूर हैं, उन्होंने ये रिवायत बयान की है। और एक ही रिवायत उनसे मरवी है। ये सहाबी हैं अबू समह रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू समह रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कुनियत है बाद अहले इल्म ने ज़िक्र किया कि इनका नाम इयाद है, ये उनकी कुनियत है। अबू समह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, खिदमत करने वाले। और यही एक हदीस उनसे मरवी है। इस हदीस के अलावा उनसे और कोई दूसरी रिवायत नहीं पाई जाती। जो हदीस उन्होंने रिवायत की है उसका मफहूम आपके सामने ज़िक्र किया गया कि अगर बच्ची पेशाब कर दे और जिस्म या कपड़े में कहीं लग जाए तो उसको धुलना होगा, और अगर बच्चा पेशाब कर दे तो उसे धुलने की ज़रूरत नहीं बल्कि छींटा मार करके भी पाकी हासिल की जा सकती है। पेशाब जिसके ताल्लुक से इस हदीस में ज़िक्र आया है, पेशाब का हुक्म क्या है, आया वो ताहिर है, पाक है या नजिस, क्योंकि मुअल्लिफ ने इस हदीस को जिस बाब के तहत में ज़िक्र किया है वो कौन सा बाब है, नजासत, नजासत को दूर करने का बयान, और कौन कौन सी चीज़ें नजिस हैं ताकि वो नजिस चीज़ अगर हमारे कपड़े या जिस्म के साथ लग जाए तो उसे दूर करने पर हम कादिर हों। तो मुअल्लिफ ने इसी बाब के तहत में इस रिवायत को ज़िक्र किया है, गोया कि उनका इशारा क्या है कि बच्ची हो या बच्चा, छोटे हो या बड़े, उनका पेशाब पाक है या नजिस है, क्या होगा, नजिस होगा,
दूध पीता बच्चा है, उसके पेशाब का क्या हुक्म है? दूध पीता हुआ पाक है? दूध पीता बच्चा पाक है या नजिस? उसका पेशाब पाक है या नजिस? क्या मानते हुए चल रहे हैं? हर घर में छोटे बच्चे होते ही हैं, तो उसको पाक मान कर चल रहे हैं या नापाक मान के चल रहे हैं? कुछ तो मान करके चल रहे होंगे या कुछ नहीं मानते? पाक मान के चल रहे हैं। दूध, अभी वो दूध ही के मरहले में, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पैदा हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? दूध पीता बच्चा। 2 साल तक की मुद्दत है, रजात की मुद्दत 2 साल तक है। तो ऐसा बच्चा जो अभी दूध पर इक्तफा कर रहा है, तो उसके पेशाब का क्या हुक्म होगा? नजिस या पाक? कुछ तो होना चाहिए। आप लोग पाक मान करके चल रहे हैं, अगर दूध पीता बच्चा है तो उसको क्या मान के चल रहे हैं? पाक मान के चल रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं? पाक ही मानते हैं। दूध पीते हैं भाई, जो मान के चल रहे हैं वही तो कहेंगे, जो मान के चल रहे हैं वही तो कहेंगे, जो जहन में बात रहेगी उसी को करेंगे। तो जो मान रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी को यहाँ बताना है कि क्या मान रहे हैं। पाक मान रहे हैं। आप लोग क्या मान रहे हैं? ये गुरु तो पाक मान लिया आप। हाँ फैजान भाई, बच्ची है तो अच्छा, बच्चे का पाक मानना है। हाँ हाँ, नहीं वो तो हुक्म है कि बाद में क्या करेंगे, बाद में जो हुक्म है, जिसे बाज़ रिवायात के अंदर ये भी मौजूद है कि जब आप वज़ू बना लें तो वज़ू बनाने के बाद पानी का छींटा कपड़े के ऊपर मारना चाहिए, छींटा मारना चाहिए वज़ू बना लेने के बाद, फारिग हो जाएं तो पानी लें और छींटा मार लें शर्मगाह की जगह पर, तो क्या मान करके कि वो नजीस है, इसलिए नजीस मानने हैं उसको कि हमने कपड़ा पहन लिया है तो अब छींटा मार दें पाक हो जाएगा। तो क्या इसी तरह की कोई बात है कि बच्चा अगर पेशाब कर दे रहा है और अगर दूध पीता बच्चा है तो आप छींटे मार दें, यानी बच्चे का पेशाब पाक है? क्या मानना है? पाक ही। देखिए, पेशाब इंसान का हमेशा हमेशा के लिए नापाक है। इंसान का पेशाब वो पाक है ही नहीं। पेशाब और पखाना, ये बच्चे का हो या बड़े का हो, वो पेशाब पेशाब ही रहेगा, पखाना पखाना ही रहेगा, उसको दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। हुक्म भी दूसरा नहीं, नाम भी दूसरा नहीं। जिसको अरबी में बौल कहते हैं, इंसान का बौल, वो नजिस। अब वो छोटे इंसान की तरफ से है, बड़े इंसान की तरफ से है, दूध पीते की तरफ से है, गैर दूध पीते की तरफ से है, सब बौल है, सब बौल है। और इसीलिए वो मशहूर रिवायत जो कुछ दिनों पहले मैंने ज़िक्र किया था कि देहात से एक सहाबी आए, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और एक हिस्से में, कोने में, उन्होंने जा कर के पेशाब करना शुरू कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या किया? एक डोल पानी मंगवाया।
एक दो मग नहीं, एक बाल्टी भर करके पानी मंगवाया और जहाँ उन्होंने पेशाब किया था उस जगह उस पानी को डालने का हुक्म दिया। अव्वलन पानी उस चीज़ को, उस जगह को और उसके असरात को जो ऊपर मौजूद है वो ज़मीन के नीचे की तहों में लेकर के चला जाए। हम नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं, नीचे की तह में या ऊपर की तह में? ऊपर की तह में नमाज़ पढ़ते हैं। और मिट्टी की खासियत है खींचने की, जज्ब करने की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ख़ास तौर से अरब के इलाके में रेतीली जगहें ज़्यादा होती हैं तो पानी डालें तो इधर उधर नहीं बहता, नीचे नीचे की तरफ। तो ऊपर जो कुछ भी रहेगा तो पानी जब आप डालेंगे तो उस पानी के साथ साथ उसके सारे असरात वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब के साथ किया, जो कि सहाबी ने ना जानने की वजह से मस्जिद के एक हिस्से में कर दिया था क्योंकि उसे पाक करना था। और आपने बाद में समझाया भी कि मस्जिदों में ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। तो इस वाक़े से इस बात को यकीनी तौर पर समझा जा सकता है कि इंसान का पेशाब नजिस, इंसान का पेशाब नजिस और उसे पाक करना ज़रूरी है, उसे पाक करना ज़रूरी है। अगर ये रिवायत ना आ जाती जो अभी हम लोगों के सामने है, या इस माना की रिवायतें अगर हम लोगों के सामने ना आती तो सारे ही इंसानों के पेशाब के ताल्लुक़ से वही काम करते जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के अंदर किया, यानी पेशाब को दूर करने के लिए जो भी हमारे पास इम्कानी रास्ते होते उसे हम इख्तियार कर लेते। लेकिन इस रिवायत ने आकर के बचपने की कुछ और भी तालीम दी है, उस आम से कुछ हिस्सों को ख़ास कर लिया है कि अगर वो इंसान जिसके पेशाब के ताल्लुक़ से आप ये जानते हैं कि वो नापाक है, वो इंसान अगर छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, तो उसके पेशाब के लगने की वजह से कपड़े या जिस्म के अंदर तहारत का तरीक़ा हल्का है बनिस्बत बच्ची के, बनिस्बत बच्ची के। तो क्या हल्का तरीक़ा है, कहा अगर आप छींटा भी मार लेंगे तो तहारत हासिल हो जाएगी, लेकिन अगर बच्ची है उसने पेशाब किया है, गर्चे अभी चार दिन की वो बच्ची हुई है, पैदा हुई है, अगर उसके पेशाब का कोई हिस्सा आपके कपड़े जिस्म पर लगा तो उसे धुलना ज़रूरी होगा पानी से, उसे पानी से धुल करके दूर करना होगा। तो अलग अलग दोनों के दरमियान तफरीक करते हुए हुक्म को साफ और सरीह तौर पर बता दिया गया कि दोनों का हुक्म एक जैसा नहीं, दूध पीता बच्चा है, पेशाब किया है तो छींटा मारेंगे तो पाकी हासिल हो जाएगी, और अगर बच्ची है वो भी दूध पीती है तो उसे धुलना होगा। इसीलिए बाज़ रिवायतों में एक टुकड़े का इजाफ़ा है और वो टुकड़ा है ताबई की तरफ से, क़तादा इब्न दियामा अस्सदूसी, इसके अंदर नहीं ज़िक्र है, लेकिन एक दूसरी रिवायत है उसके आखिर में क़तादा इब्न दियामा अस्सदूसी ने एक टुकड़े का इजाफ़ा किया है। उन्होंने कहा मा लम यतअमा, कोई भी पानी, यानी पानी हाथ में लेंगे तो धुलेंगे नहीं कि डाल करके पानी उसको बहाएं, बल्कि उसको मार देंगे कि उस जगह में पानी
पहुंच जाए, यानी पानी इतना जाए कि वो गीलापन उस जगह के अंदर आ जाए, बहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि धुलने में बहना ज़रूरी होता, इसके अंदर पानी का कपड़े के ऊपर से बहाव ज़रूरी नहीं, बल्कि पानी के पहुंचने से नमी वहां आ जाएगी, गीलापन आ जाएगा, पर वो पानी बहेगा नहीं, कपड़े में जज्ब हो जाएगा। तो ये ताबई अपनी इस रिवायत के अंदर एक टुकड़े का इजाफा करते हैं, और टुकड़ा है मालम यतअमा, मालम यतअमा, क्या मतलब है मालम यतअमा? मालम यतअमा यानी जब तक वो दोनों खाना न खाने लगें, जब तक वो दोनों खाना न खाने लगें। फ़ाइदा तयमा गुसिला जमीअन, फ़ाइदा तयमा गुसिला जमीअन, अलबत्ता अगर वो दोनों खाने लगे तो फिर दोनों ही के पेशाब को धुला जाएगा। ये खाने लगे का क्या माना है? हाँ, अनाज, रोटी, चावल आपने मुंह में डाल लिया, उन्होंने निगल लिया, यही माना है, है? आपने एक लुकमा मुंह में डाल दिया और मुंह को घुमाया और अंदर बच्चे ने निकल लिया, क्या कहेंगे आप? बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, हुक्म बदल जाएगा, अब उसके पेशाब का हुक्म बदल जाएगा, हैं? बदल जाएगा, हाँ, पाकी हासिल करने का तरीक़ा बदल जाएगा, हाँ, अपने हाथ से उसके हाथ में दिए और उसने मुंह में डाल लिया, बदल जाएगा, हुक्म चेंज हो जाएगा, दोनों में कुछ फ़र्क हुआ? आपने उसके मुंह में डाल दिया, दूसरा यह है कि उसने अपने हाथ से अपने मुंह में डाल लिया, खाना खा लिया, नहीं फर्क है। खुद से खाए या कोई दूसरा खिलाए कोई मसला नहीं है। चलिए, ये भी एक मसला है। और कुछ? बस इतना ही, ये तीनों ही सही नहीं है, ये तीनों ही बातें सही। हाँ बताइए। चबा के ना खाए, ये चौथा है, चौथा कौल है। दूध दूध है, रेडीमेड हो या माँ का हो या भैंस का हो या गाय का हो, दूध का हुक्म रहेगा, और खाने का हुक्म दूध को खाना नहीं कहेंगे। ग़िज़ा जो होती है ये चावल है, रोटी है, जो अल्लाह ने बतौर ग़िज़ा के सामान पैदा किया है, उसे जब वो खाने लगे दांत के सहारे से तो फिर उसको खाना कहेंगे। तो मालम यतअमा का ये मफहूम सही नहीं है जो अभी आप लोगों ने ज़िक्र किया। असल में ये मफहूम ज़हन में बिठाना, इसलिए सही मफहूम बिठाना ज़रूरी है क्योंकि धुलना कब से है, धुलना
बचे और कब तक छींटा मारने पर इक्तफा कर सकते हैं, बाकी हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वो वक्त कब है, कि उस वक्त के आने के बाद से धुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके आने से पहले छींटे भी मार देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं बालिग हो जाए, कुछ लोग कहते हैं बच्चा बालिग हो जाए, कुछ और भी बातें कहते हैं, पर सही और दुरुस्त बात यह है कि बच्चा अपनी चाहत से बतौर ग़िज़ा के, बच्चा अपनी चाहत से बतौर ग़िज़ा के खाना खाए, बतौर ग़िज़ा, बतौर ग़िज़ा। क्या फ़र्क है बतौर ग़िज़ा और बतौर ग़िज़ा ना कह करके? एक होता है तफरीही चुटपुट, कुछ भी ले लिए तो उसे खाना नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने चाय पी ली, आपने चाय पी ली, बहुत सारे लोगों का उसी पर गुज़र हो जाता है, चला लेते हैं काम, लेकिन उसको खाना नहीं कहेंगे। खाना किसे कहेंगे? जो ग़िज़ा का काम दे, यानी असासी तौर पर, बुनियादी तौर पर ग़िज़ा वही है, उसके ऊपर की जो चीज़ है वो ज़ायद है। अब तक असासी क्या था? दूध था। उसके ऊपर जो चीज़ आ रही थी, एक लुकमा इन्होंने खिला दिया, उसने एक टुकड़ा रोटी उसने मुंह में डाल लिया, तो वो ज़ायद चीज़ थी, खुद से ले लिया या किसी ने दे दिया, कोई फल खिला दिया, कोई कुछ कर दिया, इसको तफरीही तौर पर, वक्ती तौर पर कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें खाने की उसने ले ली, लेकिन डिपेंड नहीं है उसी पर, ये उसकी अभी ग़िज़ा नहीं बनी है, उसकी ग़िज़ा अभी तक दूध ही है, उसी पर उसका अभी इन्हिसार है। यानी असल चीज़ जिसे वो ले रहा है बतौर ग़िज़ा के, वो दूध है या खाना? अगर दूध ले रहा है तो छींटा मारा जाएगा, और अगर खाना ले रहा है तो धुला जाएगा। बतौर ग़िज़ा के जो चीज़ वो ले रहा है, बतौर ग़िज़ा के असासी और बुनियादी तौर पर, असासी और बुनियादी तौर पर जिस पर वो अपने आप को कायम रख रहा है, यानी उसके साथ अगर दूसरी चीज़ें नहीं भी दी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन दूध पीता बच्चा अगर दूध साइड में कर दें और दाल रोटी, दाल चावल या इस तरह की दूसरी चीज़ें ला ला करके सुबह शाम उसको पेश करते रहें, भूखों मर जाएगा, क्योंकि अभी उसकी असासी ग़िज़ा बनी ही नहीं। मुमकिन है कि थोड़ा सा वो मुंह में डाल ले, लेकिन उसकी ये बुनियादी ग़िज़ा अभी नहीं है। तो जब कोई भी ग़िज़ा बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर जगह ले ले तो हुक्म उसी का नाफिज हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि असासी ग़िज़ा उसकी अब क्या है? भरपेट से क्या कहना चाहते हैं? वो तो अभी ठीक से बता नहीं पा रहा है। हाँ, आप ये अंदाज़ा करें कि जो चीज़ें भी वो खा रहा है, पी रहा है,
उसमें कसरत किस चीज़ का है, कसरत किस चीज़ का है, दूध या खाना? 50% के ऊपर कौन जा रहा है दोनों में से? 50% के ऊपर दोनों में से कौन जा रहा है? तो दोनों में से जो 50 के ऊपर जाएगा हुक्म उसी का होगा। एक अंदाज़ा हम लगाएं बच्चे की ज़िंदगी से कि जिन चीज़ों को वो बतौर ग़िज़ा के ले रहा है, दूध भी ले रहा है कि एक बॉटल एक मरतबा में साफ़ कर दे रहा है, और खाना भी एक कटोरा दें उसको भी चट कर ले रहा है, तो हमें अंदाज़ा ये करना है कि दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा वो ले रहा है और चाहत से ले रहा है। एक तफरीही तौर पर लेना और एक ग़िज़ा के तौर पर चाहत से लेना। ये तब पता चलेगा जब हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का मैलान दोनों में से किसकी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, बराबर की मकदार ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, लेकिन अगर हम इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि बराबर है, तो क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कहा कि शुबहात को क्या किया जाए, शुबहात को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, यानी क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। यानी हम गोया कि एक तरह से फैसला नहीं कर पा रहे हैं दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो ये शुबहा हो गया, इसी को शुबहा कहा जाता है। और जब हमारी ज़िंदगी में शुबहात जगह बनाने लगे हैं तो क्या करना चाहिए, जो अहवत चीज़ हो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए, जो अहवत हो उसे इख्तियार कर लेना चाहिए। तो इस बाब में अहवत ये है कि उसे नजिस मानकर, नजिस तो है ये पहले से, लेकिन उसको उस हुक्म में ले आए जहाँ पर धोए जाने का की बात कही जाती है। तो ये ज़ाबता धोने, बच्चे के पेशाब को धोने या ना धोने के ताल्लुक से हम ज़हन नशीन रखें, क्योंकि अगर ऐसा हम ज़हन में इस तरह के ज़ाबतों को नहीं बिठाते हैं, तो हदीस के अल्फाज तो हमें मालूम रहते हैं, हुक्म मालूम रहता है, लेकिन किस पर नाफिज करना है, कैसे नाफिज करना है, ये हमारे समझ में नहीं आता, या बस ऐसे ही किसी के ऊपर कुछ भी नाफिज कर देंगे, किसी के ऊपर कुछ भी, एक टुकड़ा किसी के हाथ में देखे रोटी कहेंगे खलास इसका धुलना शुरू कर दो, पकड़ लिया ना हाथ, मुँह तक ले गया, खाया खलास इसका हुक्म हो गया, आप धुलना शुरू कर दो। हालांकि सुबह शाम और दोपहर और हर टाइम वो खाली दूध ही पी रहा है, उसी टुकड़े हाथ में दे दिए गए उसको भी ले रहा है। इसलिए इस तरह की बातों को जहन में बिठाना ज़रूरी है। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात इस हदीस के हवाले से ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया कि बच्चे के पेशाब को धुला जाए और बच्चे के पेशाब को छींटे मार करके पाकी हासिल कर ली जाए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब दोनों ही आदमी हैं, दोनों आदमी हैं कि नहीं हैं, दोनों को आदमी कह सकते हैं ना, जब दोनों ही इंसान हैं, दोनों ही आदमी हैं, तो ये फ़र्क क्यों कि बच्ची के पेशाब को धुला जाए, वो एक दिन की बच्ची है उसको धुलना है, वो एक दिन का बच्चा है उसको छींटे मारने हैं। ये तो आपने ठीक किया कि दोनों के पेशाब को आपने नजिस कहा है, लेकिन नजासत दूर करने के तरीके आपने अलग अलग कर दिया, ऐसा क्यों? हुक्म तो आपने एक बताया कि दोनों ही नजिस हैं, लेकिन उस नजिस को दूर करने के तरीके आपने अलग अलग किए, ऐसा क्यों? ऐसी बात जहन में आ सकती है।
इस तरह की बातें जब जहन में आएँ तो उसका सबसे अहम तरीन जो जवाब हर मुसलमान के जहन में होना चाहिए, और ये आम कायदा है कि शरीयत के अहकाम अगर आते हैं तो उसमें इल्लतें और हिकमतें जाने और समझे बग़ैर उनका मानना और तस्लीम करना हमारे लिए ज़रूरी है। शरीयत के अहकाम जब आएँ तो उसकी इल्लत और उसकी हिकमत जाने और समझे बग़ैर उसको मान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। कान तक आवाज़ पहुंचती है, क़िबला चेंज हो गया, नमाज की हालत में है, क्या कर देते हैं, चेंज हो जाते हैं, नमाज की हालत ही में चेंज हो जाते हैं, ये सोचे समझे बग़ैर कि आखिर ये भी क़िबला ही था, क्यों चेंज हो गया, वे क़िबला अभी जहाँ तक कर रहे थे ये भी क़िबला ही था, क्यों चेंज हो गया। कान में आवाज़ पड़ती है और फौरन उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालते सलात में हैं और अपने जूतों को पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं और दरमियानी नमाज में जूते निकाल देते हैं, ये समझे बग़ैर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते क्यों निकाल दिए, साहबा ने क्या किया, वो भी निकाल दिए। साहबा ने जब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया तो वो भी पीछे वही किया। ये समझे बग़ैर कि नमाज के बाद पूछेंगे कि अल्लाह के नबी साहब एक अजीब चीज़ हमने देखी, खैर तो है कुछ बताइए ताकि हम लोग भी वैसे ही करें। तो वो डिटेल अगर आदमी के पास ना भी आए, सिर्फ इतना आए कि अल्लाह और उसके रसूल का ये हुक्म है तो काफ़ी है एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान के लिए इतना काफ़ी है और सहाबे कराम उसको काफ़ी मानते थे। और अगर ये समझ जाते थे कि इसमें इतने फ़वाइद भी हैं और इतनी सारी हिकमतें भी हैं तो और ढेर सारी खुशियाँ उन्हें हासिल हो जाती थी। तो ये एक अहम बात है इस तरह के मौक़ों पर जो हमारे जहन में सबसे पहले आनी चाहिए कि हम हिकमतें तलाश करने के पीछे कहीं ऐसे फरामीन को ही ना गंवा बैठें, ऐसे अहकाम ही से ना हाथ धो बैठें। हम अहकाम को जितना मुमकिन हो सके क़ुव्वत के साथ पकड़ें और अगर उसकी हिकमतें भी हाथ लग जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं वहाँ तक हम पहुँच पाते तो ये कम नहीं है कि हमें ये चीज़ मिल गई। दूसरी बात यह है कि आम तौर पर शरीयत आसानी वाले रास्ते को अपने मानने वालों को अता करती है, आसानी वाला रास्ता, आसानी वाला रास्ता, और इसीलिए एक ज़ाब्ता बना है अल मशक्क़तु तजलिबु तैसीर, और ये अभी फ़िक्ह के दुरूस आप लोगों के चल रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये किसी हद तक पहुँचेंगे तो उसके बाद एक और चीज़ आएगी जिसको कहते हैं अल क़वाइदुल फ़िक्हिया, फ़िक्ह के दुरूस ले लेने के बाद एक और दुरूस आएंगे नए अल क़वाइदुल फ़िक्हिया, तो उसके दुरूस इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे। उन्हीं में से एक ये भी है जो अभी मैंने ज़िक्र किया। क्या कहा, इसका क्या माना है, अल मशक्क़त तजलिबु तैसीर, कि मशक्क़त आसानियाँ लाती है, मशक्क़त आसानियाँ लाती है, यानी जब इंसान मशक्क़त में पड़ता है तो उस हालत में शरीयत उसे सहूलत और आसानी वाला रास्ता दिखाती है, सहूलत और आसानी वाला रास्ता दिखाती है। कोई मिसाल, माशाल्लाह ज़बरदस्त,
अगर सफ़र में है, आम तौर पर इंसान जब सफ़र में निकलता है तो तरह तरह के मुश्किलात उसके सामने आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा गिफ्ट और इनाम दिया कि वो नमाज़ें जो चार रकात वाली थीं, दो उसमें से तख़फ़ीफ़ कर दी, कसर करने की इजाज़त दे दी। और कोई मिसाल माशाल्लाह, रोज़े की हालत में है अगर कोई शख्स और बीमारी के अय्याम से गुज़र रहा है, उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है रोज़ा रखना, तो इजाज़त है कि वो इफ्तार कर ले और बाद में जब ठीक हो जाएगा, रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगा, तो उसकी कज़ा कर लेगा। इसी को कहा जाता है अल-मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर। एक शख्स है, वो सजदा करने से कासिर है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे बैठकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है कि अगर आप खड़े होकर के वो नहीं कर सकते, सजदे के लिए ज़मीन पे नहीं जा सकते, आप बैठ जाओ, जैसा आप कर सकते हो ऐसा आप नमाज़ अदा कर लो। तो कदम कदम पे शरीयत ने अपने मानने वालों को आसानी के बहुत ढेर सारे रास्ते अता किए हैं, लेकिन हर चीज़ के जवाबित हैं। ऐसे ही रास्ता पूरे तौर पर चौपट नहीं खुला हुआ है कि जहाँ हम जैसा चाहें वैसा रास्ता खोल लें। हर चीज़ जवाबित से बधी हुई है, जवाबित से मुकैद है। एक मसला आता है आम तौर पर कि, और हदीस में भी उसका ज़िक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी बच्चे की आवाज़ सुन लेते रोने की तो क्या करते थे, नमाज़ को हल्की कर देते थे, क़िरत को क्या करते, कम कर देते थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और ये आम तौर पर कहा कि जब आप इमामत के लिए आगे जाओ तो तख़फ़ीफ़ यानी हल्का करो, फलयुख़फ़्फ़, क्योंकि पीछे तरह तरह के लोग आपके नमाज के लिए आए हुए होंगे, उनके हालात से आप वाकिफ़ नहीं हैं कि किन किन अहवाल के शिकार हैं लोग, इसलिए आप तख़फ़ीफ़ से काम लें। तो तख़फ़ीफ़ वाली बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तीन आयत वाली सूरत पढ़े इमाम साहब, या पांच आयत वाली सूरत पढ़े, या दस आयत वाली सूरत पढ़े, या बीस आयत वाली सूरत पढ़े, तख़फ़ीफ़ है क्या? किसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं? इमाम साहब आधे सफ़े वाली पढ़ते हैं ईशा की नमाज़ में, लोग कहते हैं बहुत लंबी कर दिया आपने। फजर की नमाज़ में अगर एक सफ़ा दोनों रकातों में पढ़ लिए, कहा आज तो आपने थका दिया, कितना पढ़े वो कितना पढ़े, जितना लोग बताएं कि भाई आपको इतना ही आज पढ़ना है, ऐसे ही करेगा। तख़फ़ीफ़ का आपने रास्ता सिर्फ ज़ुबानी नहीं दिखाया, करके भी दिखाया, सिर्फ ज़ुबानी नहीं दिखाया, करके भी दिखाया। फजर की नमाज 60 आयात से 100 आयात के बीच में, 60 आयात से 100 आयात के बीच में, तो क्या ये तख़फ़ीफ़ से हट करके आपने बताया? नहीं, वही तख़फ़ीफ़ है, ये तख़फ़ीफ़ का ज़ाबता है। ये मिसाल मैंने इसलिए दिया ताकि हम आसानी का लफ्ज़ सुन करके अपने ज़हन में आसानी का जो माना आए उसी को समझ बैठें। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने ज़हन में जो बातें आए, जैसे कि अभी मैंने क़िरत के हवाले से कहा कि किसी को 10 आयतें भी भारी पड़ रही हैं, 10 आयतें भी किसी को भारी पड़ रही हैं, और फौरन वो सुना दे रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़फ़ीफ़ का हुक्म दिया, आप क्यों लंबी कर रहे हैं, हदीस सुना देता है। तो अगर लोगों को बताया जाए कि जिस नबी ने तख़फ़ीफ़ का हुक्म दिया
उन्होंने वो तख़फीफ़ करके भी दिखाया कि नमाज से पढ़ाओ तो तख़फीफ़ से काम लो, क्योंकि आपके पीछे हर तरह के ज़रूरतमंद लोग मौजूद होते हैं, उसमें ज़ईब भी हैं, उसमें बीमार भी हैं, उसमें हाजतमंद भी हैं। तो ये बाद के लोगों ही के लिए नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों के अंदर भी इस तरह के लोग पाए जाते थे। उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 से 100 आयात के बीच में फजर की नमाज का अपने तरीक़ा लोगों को दिया, वह कि तख़फीफ़ का तरीक़ा है। इसी तरीके से शरीयत के सारे ही उमूर जहाँ भी तख़फीफ़ और तयसीर की बात आती है, इसका माना यह है कि वो मन मानी नहीं है, वो भी ज़वाबित के दायरे में है, वो भी ज़वाबित के दायरे में। इसलिए अहले इल्म से समझे बग़ैर शरीयत के मसाइल को अपने ज़हन से हल नहीं करनी चाहिए। तो एक मसला तो ये हो गया कि शरीयत आसानी के मामले को सामने रख करके इजाज़त दे दिया कि लोगों के यहाँ बच्चियों के बनिस्बत बच्चों को गोद में लेने और उनको खिलाने और घुमाने और टहलाने का शौक़ ज़्यादा होता है। उमूमी तौर पर जो लोगों के अंदर पाया जाता है उसका एतबार करते हुए, जो लोगों के अंदर पाया जाता है उसका एतबार करते हुए कि लोग आम तौर पर बच्चों को, छोटे शिरखार बच्चों को घुमाने टहलाने गोद में लेने इधर उधर चलने फिरने के ज़्यादा शौकीन होते हैं या ज़्यादा उनको लेते हैं बनिस्बत बच्चियों के, और ज़्यादा लेने और ज़्यादा गोद में उठाने का माना यह है कि वो बार बार क्या करेंगे, पेशाब करते रहेंगे, क्योंकि उनका टाइम टेबल बहुत मुख्तसर ही रहता है और वो बता भी नहीं सकते कि भाई ख़बरदार आगाह रहें आप, ऐसा कुछ वो नहीं कह सकता। तो ऐसे में लोग हरज में पड़ सकते थे कि हर थोड़ी देर पर उनको कपड़ा चेंज करना, उनको धुलना, और इस तरह के मामलात के अंदर मशक्क़त वाली बात ज़्यादा आ सकती थी बनिस्बत बच्चियों के। इस बुनियाद पर दोनों के तरीक़े में चेंजिंग वाली बात लाई गई। दूसरी बात यह है जो पेशाब करने के तरीक़े हैं दोनों के, फितरी एतबार से बच्चों का मसला अलग है, बच्चियों का अलग है। बच्चियों के पेशाब में एक ही जगह पेशाब के कतरात गिरते हैं, फैलता नहीं, एक जगह में। और बच्चों के पेशाब के अंदर मामला ये रहता है कि जगह बहुत बारीक होने की वजह से, जगह पेशाब का रास्ता बहुत बारीक होने की वजह से वो उसके अंदर उड़ने और फैलने वाली शक्ल ज़्यादा होती है बनिस्बत बच्चियों के। तो वो एक जगह पेशाब नहीं गिरता, बच्चा जब पेशाब करता है तो वो नज़दीक से दूर तक मुख्तलिफ जगहों पर वो पेशाब के ख़तरात को फैला देता है, जानबूझ के नहीं। वो उस तरीके पर जैसा कि वो पेशाब फितरी तौर पर करेगा, एक जगह उसका वो पेशाब नहीं जाएगा, दूर भी जाएगा, बीच में भी जाएगा, नज़दीक भी जाएगा, एक जगह नहीं गिरेगा वो। बखिलाफ बच्चियों के, उनका पेशाब एक ही जगह में जहाँ पर कि वो मौजूद हैं वहीं पर। तो इस एतबार से उसके अंदर हरज और मशक्क़त वाला रास्ता था जो शरीयत ने आसान कर दिया। वही तो बता रहे हैं कि ज़्यादा का मतलब यह है कि
उसमें हैरानी ज़्यादा होगी। एक जगह है कि उतनी जगह को आप धुल लें आसानी के साथ, और फैला हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर उसने ये पूरे हिस्से को ऊपर से नीचे तक, तो आपको पूरा जोड़ा ही चेंज करने की ज़रूरत पेश आएगी। फैल जाने की वजह से गोया कि चेंजिंग का अमल या धुलने का अमल थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा सामने आएगा और लोग हरज में पड़ते चले जाएंगे। मामूली सा रहे, थोड़ा मोड़ा रहे, तो वो करना लोगों के लिए निस्बतन आसान होता है। भाई थोड़ी सी जगह है, वो थोड़ा सा पानी लाए धुल लिया ख़त्म, और थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, तो आदमी हैरान हो जाता है और बार बार लंबी जगह के एतबार से परेशानी के हालात उसके ऊपर आते हैं। फितरी एतबार से भी बच्चों और बच्चियों के अंदर, जिस्मानी अंदर, बच्चों के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी बनिस्बत बच्चियों के हरारत, गर्मी और हरारत जिस्म के अंदर बच्चों की ज़्यादा होती है बनिस्बत बच्चियों के। उनके यहाँ बुरूदत ज़्यादा होती है, ठंडा बुरूदत ज़्यादा होती है अमूमी तौर पर। तो हरारत क्या करता है, वो खाने के फजलात को, जो भी चीज़ बतौर खाना के इस्तेमाल करेंगे, दूध है या कोई भी चीज़ है, तो बहुत सारे हिस्सों को वो जला देता है। खाने के जो फजलात होते हैं, फजलात यानी जो ज़ायद चीज़ें हैं, हो गया टाइम, तो काफ़ी हद तक मकदार में वो कम हो जाती है, बहुत हद तक वो मकदार में कम हो जाती है। बनिस्बत जिनके अंदर बुरूदत है, वो सब कुछ सेफ उनके पास रहता है, और इसी वजह से एक के पेशाब में काफ़ी बू रहती है और दूसरे के पेशाब में उतनी बू नहीं होती। इस जैसे फवारिक अहले इल्म ने ज़िक्र किए हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों के पेशाब के अंदर फ़र्क है, इसलिए हुक्म भी फ़र्क ज़िक्र किया गया। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।